नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लड से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द दिस इज नॉट फ्रॉम द फ्लूइड मशीनरी, दिस इज फ्रॉम द न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, जो आज का चैप्टर है, एक्चुअली मैं नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए मेरे को काफी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है कि मैं फ्लूइड मैकेनिक्स बोलता हूँ या फिर फ्लूइड मशीनरी बोलता हूँ। तो ये जो स्पेशली टॉपिक है, दिस इज द मिलने सिम्पसन मेथड, और जो चैप्टर है आज हमारा, दिस इज द न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तो हम उसका जब इंटीग्रेशन करते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन मिलता है तो उस फंक्शन को इस मेथड द्वारा कैसे बताया जाता है, आज हम यही देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो मेथड है मिलने-सिम्पसन मेथड, ये एक कैटेगरी में आता है जिसको बोल सकते हैं हम प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड। प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड मतलब यहां पर फंक्शन की वैल्यू पहले प्रिडिक्ट की जाती है और उसके बाद करेक्ट की जाती है कि भाई जो प्रिडिक्ट किया गया है वो सही है भी या नहीं। तो किसके द्वारा? मिलने सिम्पसन मेथड। मिलने प्रिडिक्ट करता है, जैसे कि मैंने यहां पर फॉर्मूला लिखा हुआ, और सिम्पसन करेक्ट करता है किसकी? फंक्शन की वैल्यू को, यानी कि वाई की वैल्यू को। ठीक है, और y की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंड करती है। बट आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे बहुत बड़ी से रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे ही एजुकेशन वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता रहूं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखें तो आपको लिंक मिलेगा इसी चैप्टर से, जैसे रंजकटा मेथड है, टेलर सीरीज मेथड है, यूलर्स मेथड है, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड है, ऐसे बहुत सारे मेथड्स आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग चैप्टर्स भी देखने को मिल जाएंगे। आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज कैसे निकालना है, देन न्यूटन ऑप्शन मेथड्स, फिक्स्ड आइट्रेशन मेथड, साथ में अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, फ्लूइड मशीनरी पढ़ रहे हैं, तो उसके भी अलग अलग टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन को हम समझेंगे अपनी नेटिव लैंग्वेज में, तब इसे स्टार्ट करने का अपना मजा है। ठीक है, तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले आपने देखा होगा कि अगर हम कोई भी आप मेथड ले लीजिए, उसमें इनिशियल अप्रोक्सीमेशन होती है, लाइक y ऑफ 0 इक्वल टू 1 ऐसा कुछ दिया होता है, एक ही वैल्यू दी होती है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, ये जो अंदर ब्रैकेट में होता है ये x की वैल्यू होती है, x 0 इक्वल टू 0 के लिए y 0 क्या होगा, 1 होगा। तो आपने देखा कि इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, यानी कि जो अप्रोक्सीमेशन, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है, वो एक ही बार दिया हुआ है, तो इसकी नेक्स्ट वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? उसमें जो अप्रोक्सीमेशन होता है वो एक ही दिया जाता है, मगर इन मेथड्स में क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे, जैसा कि आप देख रहे हैं y ऑफ 0 इक्वल टू 2, y ऑफ 0.5 इक्वल टू 2.63, तो कितनी वैल्यूज है, 1, 2, 3, 4, यानी कि इन चार वैल्यूज का यूज करके आप नेक्स्ट वाली वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं और प्रिडिक्ट करने के बाद करेक्ट कर सकते हैं। तो ये कौन सा मेथड है? इस मेथड को बोला जाता है मल्टी स्टेप मेथड। मल्टी स्टेप मेथड, देखिए, बहुत सारी प्रीवियस वैल्यूज को यूज करके आप नेक्स्ट वाली, जो आने वाली जिसको बोला गया है, ठीक है, उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। हर एक एक्स की वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू प्रिडिक्ट की जा सकती है, और बाद में कि जो प्रिडिक्ट की गई वैल्यू है वो सही है नहीं है, हम सिम्पसन्स करेक्टर मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दो इसमें साइंटिस्ट हैं, एक मिलने और एक सिम्पसन। क्लियर हो गया ये? ओके, तो मिलने से हम, देखिए लिखा हुआ मिलने प्रिडिक्टर मेथड, तो इससे हम क्या y4 की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं। y4 क्या है, समझ में आ रहा है? देखिए, एक फंक्शन होगा लाइक दैट, y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 4, ठीक है, तो ये एक फंक्शन है, इससे हम y की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, एक कोई भी दी हुई x की वैल्यू के लिए हम y की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मगर इस स्पेशल केस में y4 की वैल्यू प्रिडिक्ट की जा सकती है। तो पहले में प्रिडिक्ट करेंगे, दूसरे में करेक्ट करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है, ओके, तो मिलने सिम्पसन मेथड में डायरेक्टली y4 प्रिडिक्ट किया जा सकता है, उसी के दूसरे यानी कि सिम्पसन्स करेक्टर मेथड में y4 करेक्ट किया जाता है। ओके, अब क्या बोला गया, फाइंड y ऑफ x, यानी कि फंक्शन की वैल्यू बोली गई है, y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, इफ इफ f ऑफ x इज द सॉल्यूशन ऑफ dy by dx इक्वल टू हाफ x प्लस y। अगर देखिए, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये सिंगल डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx इक्वल टू हाफ x प्लस y, क्लियर हो गया, इसको आप y डैश भी बोल सकते हो, ठीक है, इट इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ x, x कॉमा y, क्लियर हो गया, ओके, तो मैं ये बोल रहा था, अगर इस, देखिए, इसी डेरिवेटिव को, यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, इसको आप क्या करेंगे, अगर इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो डेफिनेटली इंटीग्रेशन करने के बाद ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तब्दील हो जाएगी। तो यही तो लिखा हुआ है, y इज नथिंग बट अ क्या आ रहा है, फंक्शन ऑफ x, ठीक है, अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो मान लीजिए ये आता है x क्यू प्लस 3x प्लस 4,
तो अगर आप डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन मारते हैं तो आप एक फंक्शन की तरफ पहुंच जाएंगे, और एक्स की कोई भी वैल्यू के लिए आपको वाई की वैल्यू मिलेगी। तो वाई क्या है, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि वाई की वैल्यू एक्स के ऊपर डिपेंड करती है, इसका मतलब यही है ना। तो देखिए लिख दूं मैं, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4। देखिए इंटीग्रेशन करने के बाद मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही आएगा, मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो हर एक x की वैल्यू के लिए आपको y की वैल्यू मिलेगी। तो अब क्या हुआ है, देखिए अब देखिए, गिवन y ऑफ 0 इक्वल टू 2, तो मैं काम करता हूं y ऑफ 0, ये है इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो अंदर ये जो ब्रैकेट की वैल्यूज है ना, ये है एक्स जीरो, क्या है एक्स जीरो, तो समझ में आ रहा है, ये इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है। तो मैं 0, 1, 2, 3, 4 जो भी है ऐसे ऐसे मैं अज्यूम करता रहूंगा, ठीक है, अज्यूम नहीं करूंगा, दी हुई है। तो ये अंदर की वैल्यू एक्स होती है, तो फिलहाल एक्स क्या है, जीरो है, तो एक्स बेस टू जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तब वाई की वैल्यू क्या है, टू है, तो वाई ऑफ जीरो इक्वल टू टू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इनी देखिए, ये फंक्शन है, इसी में आपको एक्स की वैल्यू पुट करनी है, आपको फंक्शन की वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी है, डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। तो आप इन डिफरेंशियल इक्वेशन से डायरेक्टली फंक्शन की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे, बहुत सारी प्रीवियस वैल्यूज का यूज करके। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, मुझे तो लगता है कि डेफिनेटली समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये लिख लेता हूँ, क्योंकि ये लिखना बहुत जरूरी है, इससे काफी ईजी हो जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये तो मैंने पहले लिख लिया, ओके। नेक्स्ट इज ये है हमारा, क्या है एक्स वन, क्या है अंदर की वैल्यू 0.5 है, तो यहां पे लिख देता हूं एक्स वन इज इक्वल टू 0.5। तो वाई की वैल्यू क्या है, दिस इज वाई वन, दिस इज 2.636, वैसा ही हमारा एडम बैश फोर्थ मेथड है, ठीक है। चलिए ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एडम बैश फोर्थ मेथड क्या होता है, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली हम दो मेथड्स का यूज कर रहे हैं, एक मिलने का और एक सिम्पसन का। मिलने क्या करता है, बताता है कि जो आपकी वाई फोर की वैल्यू है वो प्रिडिक्ट जो की गई है वो पहला प्रिडिक्ट करता है, दूसरा क्या करता है, करेक्ट करता है कि जो प्रिडिक्ट हुई है वो करेक्ट भी है या नहीं है। तो ये वो मेथड है सिम्पसन का, ये पहला मेथड और ये सेकंड मेथड, इन्हीं दोनों मेथड को कंबाइन करके वाई फोर निकलता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्स टू, एक्स टू इज इक्वल टू योर वन, तब वाई वाई टू कितना होगा, दिस इज 3.395, लेट मी चेक, ये लिखा है मैंने 3.395, सॉरी 3.395 नहीं है, दिस इज 3.595 है, ठीक है। ओके नेक्स्ट इज, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो गया। ओके नेक्स्ट इज योर एक्स थ्री इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। ओके सो देयरफॉर वाई थ्री इज इक्वल टू 4.968, लेट मी चेक, सही लिखा है 0.5, 2.636, 1, 3.595, 1.5, 4.96। तो ये जो होता है नंबर ऑफ क्या बोलते हैं हमारे स्टेप साइज, जो स्टेप साइज है यानी कि एक्स की वैल्यू कितने से बढ़ रही है, दैट इज 0.5 से बढ़ रही है, तो एच क्या हो जाएगा 0.5। तो नेक्स्ट जो वैल्यू होगी एक्स फोर की, दैट विल बी 2, आराम से बताया जा सकता है, ठीक है। 1.5 में h ऐड कर दीजिए, यानी कि 1.5 में 0.5 ऐड कर दीजिए, यू विल गेट 2, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपको y4 ढूंढना है, तो यही तो चाहिए ना। देखिए x1 के लिए जो मैंने इक्वेशन लिखी थी ना, आपने देखा था ना, y is equal to x cube, मान लीजिए ये, इसको इंटीग्रेशन करने के बाद मान लीजिए ये फंक्शन आ गया x cube plus 3x plus 4, ठीक है, हो गया। अब इस इसमें ये जब x की वैल्यू 0 पुट की गई तो y की वैल्यू क्या मिली, 2 मिली, इसी इक्वेशन में पुट करनी है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके, ठीक है। तो ये क्या मेथड्स देते हैं, दीज आर, ये किस कैटेगरी में आते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके आप कैसे फंक्शन की वैल्यू मतलब निकालते हैं अप टू जो भी डेसिमल प्लेसेस तक आपको निकालना है, ठीक है। इसको मैं फिलहाल मिटा देता हूं क्योंकि मुझे मालूम है, तो मैंने इक्वेशन खुद से लिखी है, ओके। तो ये हमें y4 चाहिए, और y4 कैसे पता निकाला जा सकता है, ये इक्वेशन से। पहले हम प्रिडिक्ट करेंगे जो भी आएगा, उसके बाद हम करेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। अब ये जो y देखिए, अब हमें सबसे पहले अगर हमें y4 चाहिए तो हमें y0 चाहिए, y0 हमारे पास है, y0 ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4h/3, h है हमारे पास, h 0.5 है, बता दिया। h कैसे आया था मैं बता देता हूं, x के बीच में जो डिफरेंस है, x0 और x1 के बीच में क्या डिफरेंस है, 0.5 माइनस 0 इज 0.5, 1 माइनस 0.5 इज 0.5, 1.5 माइनस 1 इज 0.5, 2 माइनस 1.5 इज
0.5, तो याद रखिएगा x के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज योर h, h इज योर स्टेप साइज, ठीक है, x को बांटा हुआ है। ओके तो इस x4 के लिए y4 की वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है और फिर करेक्ट करनी है, तो इन दो मेथड से, तो इसी वजह से मिलने सिम्पसन्स मेथड कहा जाता है, इसलिए मैं बोलता हूं मिलने प्लस सिम्पसन्स मेथड, ठीक है। ओके तो ओके अब नेक्स्ट है y डैश मीन्स y1 डैश फिर हमें नहीं मालूम है, y2 डैश नहीं मालूम है, y3 डैश नहीं मालूम है, तो वही निकालते हैं। तो सबसे पहले ये जो सिंगल डेरिवेटिव है इसको y डैश लिखा जा सकता है, एक बार लिख देता हूं, dx इक्वल टू हाफ x प्लस y, लेट मी चेक एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, यस ठीक है, तो ये हो गया y डैश, अच्छे से लिख देता हूं, दिस इज अगेन अ फंक्शन ऑफ x कॉमा y, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं, सोल्यूशन क्या मतलब y की वैल्यू निकाल रहे हैं, एक पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये क्या होता है, इट इज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो x और y पे डिपेंड करती है, क्लियर हो गया। ओके तो मैं अच्छे से लिख देता हूं, y डैश इज इक्वल टू हाफ x प्लस y, हो गया। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, y1 डैश, क्या निकालेंगे, y1 डैश हम निकाल लेते हैं। ओके तो अगर मुझे देखिए ये जो डैश है ये डेरिवेटिव है, तो y1 डैश चाहिए तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे और हमें चाहिए y1 डैश, ठीक है, तो यहां पर जो हम x और y की वैल्यू यूज करेंगे वो होगा x1 एंड y1, तो x1 y1 दिया हुआ है, तो दिस इज हाफ, x1 की वैल्यू क्या है 0.5 प्लस y1 की वैल्यू क्या है 2.636, तो हम इसे लिख देते हैं, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.568, हो गया ये। ओके नेक्स्ट इज हमें क्या चाहिए, y2 डैश, ओके क्लियर हो गया, यही इक्वेशन यूज करूंगा बट यहां पे y2 है, ठीक है, y2 डैश वैल्यू चाहिए, तो यहां पर y2 है तो मैं x2 y2 की वैल्यू यूज करूंगा, तो दिस इज अगेन हाफ, दिस इज x प्लस y यानी कि 1 प्लस 3.595 इक्वल टू, तो यहां पर क्या आ जाएगा, दिस इज कमिंग आउट टू बी 2.2975, क्लियर हो गया। ओके नेक्स्ट इज यहां पे y3 डैश है, देयरफॉर y3 डैश इज इक्वल टू हाफ, फिर से हाफ करूंगा, सेम फॉर्मूला x प्लस y, यानी कि यही x प्लस y, मगर यहां पे y3 चाहिए, y3 डैश चाहिए, तो y3 की y3 डैश चाहिए, तो मैं क्या वैल्यू यूज करूंगा, x3 और y3, तो दैट विल बी 1.5 प्लस 4.968, हो गया क्लियर। ओके तो यहां पे जो इसका आंसर होगा दैट विल बी 3.234, क्लियर हो गया। ओके अब ये जो वैल्यूज है मैं इस यहां पे प्रिडिक्ट करूंगा, मीन्स यूज करूंगा ये वाली मिलने प्रिडिक्टर मेथड में, तो y0 क्या है हमारा, दिस इज योर y0 इज 2 प्लस 4 इंटू h, h क्या था हमारा, दिस इज 0.5, हो गया डिवाइडेड बाय 3, दिस इज 2 इंटू y1 डैश, y1 डैश कितना है हमारा 1.568, ब्रैकेट क्लोज। ओके फिर क्या है, y माइनस y2 डैश, y2 डैश क्या है, दैट इज योर नेगेटिव 2.2975, ओके देन बीच में प्लस है, ये वाला मेथड यूज कर रहा हूं मिलने का, याद रखिएगा, प्लस 2 इंटू y3 डैश, y3 डैश क्या, दैट इज योर 3.234, ब्रैकेट क्लोज, हो गया। सो देयरफॉर y4 जो आती है, दिस इज y4 इज कमिंग आउट टू बी कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू 6.871, हो गया ये। ओके अब ये हमारी वैल्यू प्रिडिक्ट हो गई किससे, हमारे मिलने प्रिडिक्टर मेथड से, अब हमें सिम्पसन्स करेक्टर मेथड हमें का यूज करके y4 की वैल्यू करेक्ट करनी है, ठीक है। तो अब आप देखिए इसमें जो यूज होने वाली वैल्यू है y2 है हमारे पास, ये है ठीक है, h h की वैल्यू है, y2 डैश की भी वैल्यू है अभी हमने निकाली, ये रही। ओके y3 की y3 डैश की वैल्यू है वो भी है, y4 डैश कैसे निकालेंगे, तो y4 डैश की वैल्यू अगर निकालने काम करता हूं ये लास्ट में निकालता हूं, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले को यूज करने वाले, तो y4 डैश की वैल्यू निकालनी होगी तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ x प्लस y, तो दैट विल बी y4 डैश चाहिए, तो डेफिनेटली x4 और y4 की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। तो x4 क्या है, x4 दिया हुआ है 2, हमने खुद से लिखा है, प्लस y है, तो y की जगह y4 चाहिए, तो y4 अभी अभी हमने निकाला जो प्रिडिक्ट किया था, तो दैट इज योर 6.871, तो ये आ जाएगा y4 डैश कितना आ जाएगा हमारा, दिस इज कमिंग आउट टू बी 4.4355, क्लियर हो गया। ओके तो अब मैं क्या करूंगा, फाइनली यहां पर पुट करूंगा, देयरफॉर y4 की जो करेक्ट वैल्यू है, तो फॉर्मूला क्या बोलता है, y2 किधर है, दिस इज 3.595 प्लस h, h क्या है हमारा 0.5 डिवाइडेड बाय 3, ओके इनटू y2 डैश कितना है, दिस इज 2.2975, बीच में प्लस का साइन, प्लस 4 इनटू y3 डैश क्या है हमारा, इनटू 4.4355,
प्लस वाई फोर डैश, वाई फोर डैश, ओके सॉरी, इसकी जगह मैंने वाई थ्री डैश लिखना था, मैंने वाई फोर डैश लिख दिया था, इंटू 3.234 प्लस वाई फोर डैश, वाई फोर डैश दिया हुआ है, दिस 4.4355. तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, दिस वाई फोर जो करेक्ट वैल्यू आती है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 6.87317. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यही वाई फोर चाहिए था हमें. तो फाइंड y ऑफ x, यहां पर x जो है वो x4 है और जो हमारे फंक्शन की वैल्यू आई है y4 is equal to 6.87317. तो आपने देखा होगा कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके और पुरानी कुछ वैल्यूज का यूज करके, प्रीवियस कुछ वैल्यूज का यूज करके हम फंक्शन की वैल्यू यानी कि x4 के लिए, एक पर्टिकुलर x4 के लिए हम फंक्शन की वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहे हैं, यानी कि y4 की वैल्यू प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, एक्चुअली करेक्ट हम लेके आए हैं. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू. अगर आप ऐसी एजुकेशन वीडियो चाहते हैं, प्लीज डू राइट अ कमेंट, मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस लेके आने की. थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू.